अब मान लो आप अपराधी को पकड़ रहे हो चारों दिशाओं से, ठीक है। मान लो दो दो दिशाओं से पकड़ रहे हो, बाकी दो तीन दिशाएं खाली है। तो अपराधी बहुत तेज भागता है, आपसे भी तेज भागता है मे भी, तो आप उसको कभी नहीं पकड़ सकते। लेकिन अगर आप कहो कि इधर वो जा नहीं सकता, इधर दीवार है, इधर ये है, इधर उधर से हमारे ऑफिसर जा रहे हैं, इधर से हम जा रहे हैं, तू फंसेगा। अगर ऐसा कर दो तो आप अपराधी को पकड़ सकते हो ना। तो इसी तरह आप अपनी अपनी एडिक्शन को भी पकड़ सकते हो। आप अपने एडिक्शन के लिए सिस्टम्स बनाओ, परफेक्शनिस्ट सिस्टम मत बनाओ, पर सिस्टम बनाओ। केवल ऐप डिलीट कर दिया उससे नहीं होगा, केवल अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया उससे नहीं होगा, केवल अकाउंट चेंज कर दिया उससे नहीं होगा, केवल ये कह दिया कि यार मैं जब सर्च करना होगा तो मैं सर्च करने वाली चीजें या तो लैपटॉप पे सर्च करूंगा, ठीक है, या फिर मैं उनको लिख लूंगा बाद में सर्च करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब करोगे ना, और मतलब प्रेशर मतलब सब कुछ कर देगा, ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं मांगती आपसे चीजें, ये छोटे छोटे चेंजेस हैं। पर सारी भी मत करो, अब मैं 70% कर लो, 60 कर लो, पर दो तीन चीजें भी इकट्ठी करोगे ना साथ में, इसमें से मैंने जो हल बताए हैं, तो क्या होगा पता है, आप के लिए मुश्किल हो जाएगा डिस्ट्रैक्ट होना। आपको काफी सारी चीजें मैसअप करनी पड़ेंगी, आपको दुखी भी होना पड़ेगा, फोन चलाने के लिए आपको काफी सारी चीजें खराब करनी पड़ेंगी, ठीक है, दुखी होना पड़ेगा। फिर आपको कुछ मन में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए जिसको आप सवाल का जवाब ढूंढने जाओ, या आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होने चाहिए, ठीक है, ऐसी चीजें होनी चाहिए, तब जाके आप फोन से डिस्ट्रैक्ट होगे। तो मुश्किल बना दो डिस्ट्रैक्ट होना खुद को। किसी का कॉल आ जाता है फिर मैं जोन आउट हो जाता हूँ, तो यानी आपको क्या करना है, कॉल नहीं उठाना, फोन को साइलेंट कर दो, परमानेंट साइलेंट मोड।